स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला पीपल के शगुन गार्डन में मनाई गई द्वितीय वर्षगांठ। गोगावा के विकास खंड स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 जन शिक्षा केंद्रों से प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं हुए शामिल। अवैध रेत उत्खनन को लेकर नसरुल्लागंज के लाड़कुएं में डीआईजी सहित आला अधिकारियों ने की पत्रकारों से चर्चा। कहा, अब रेत की चोरी और अवैध परिवहन करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला पीपल के शगुन गार्डन में द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा देश की रक्षा, सैनिकों के त्याग, समर्पण व योगदान को याद करते हुए ब्लॉक के सभी पूर्व सैनिकों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक इंदर सिंह परमार, पूर्व विधायक फूल सिंह मेवाड़ा, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पवार, ब्लॉक अध्यक्ष बी आर चंद्र रहे मौजूद। भारत की सेना, भारत के सैनिकों का समर्पण कम नहीं था, हमारी तैयारी नहीं थी देश की, उस कारण से हमको वहां पर स्वीकार करनी पड़ी थी। लेकिन भारत ने जो ताकत अर्जी प्रदर्शन किया था, दुनिया के लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि भारत की सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को कोई बलिदान नहीं देना पड़ा और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद में जनता के अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी अपने देश के प्रति अपने समर्पण के भाव रखते हुए और अपनी प्रगति की तरफ आगे बढ़े। खंडवा जिले के गोगावा तहसील मुख्यालय पर पीआरसी कार्यालय में विकासखंड स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 जन शिक्षा केंद्रों से प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं तथा शिक्षित सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अवसर पर खंड स्तरीय कहानी प्रतियोगिता में 11 विद्यार्थी तथा 7 शिक्षकों ने सहभागिता की। विद्यार्थी वर्ग में प्रथम स्थान अनुराग जयराम कक्षा 6 माध्यमिक विद्यालय ठिबगा बुजुर्ग के साथ ही द्वितीय स्थान कुमारी सारिका राधेश्याम कक्षा 8 माध्यमिक विद्यालय कुकडोल ने प्राप्त किया। शिक्षक वर्ग में प्रथम स्थान विश्वजीत सिंह कुशवाहा माध्यमिक विद्यालय ठिबगा बुजुर्ग तथा द्वितीय स्थान आशुतोष जोशी माध्यमिक विद्यालय पेनपुर को मिला। भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कहानी उत्सव बच्चों में छिपी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है और इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है। हमारी शालाओं में बाल सभा के माध्यम से निरंतर बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि राहुल पाध्ये, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय गोगावा एवं अतिथि के रूप में बीके शर्मा, प्राचार्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगावा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा की गई। गोगावा से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। कि बच्चों को मारूंगा तो माँ ही मर जाएगी, इतना मारे तो बच्चों को मारते मारते मार तो मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सोच समझ कर किया हुआ काम सफल होता है। कार्यक्रम में 6 जनशिक्षा केंद्रों से 2-2 शिक्षक और 2 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और यहाँ पर प्रथम और द्वितीय का चयन कर जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और दिनों दिन इस कार्य में इजाफे को देखते हुए रेत के अवैध उत्खनन के चलते कई अधिकारियों सहित रेत माफियाओं की जान तक चली गई है। लेकिन इस अवैध उत्खनन को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी बीच नसरुल्लागंज के लाड़कुई में हुई घटनाक्रम की जानकारी लेने आए डीआईजी एवं जिले के आला अधिकारियों सहित कलेक्टर ने विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अब रेत की चोरी और अवैध परिवहन
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी, जिनमें नाव और ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का परिवहन करने वालों पर भी राजसात की कार्यवाही की जाएगी। डीआईजी एवं जिले के आला अधिकारियों ने कहा कि रेत की चोरी और अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और नाव एवं ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का परिवहन करने वालों पर राजसात की कार्यवाही करेंगे। दरअसल नर्मदा से रेत निकालने पर प्रतिबंध के बावजूद सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली एवं नाव नर्मदा से रेत निकालने का काम में लगी हुई है। क्षेत्र के लगभग सभी नर्मदा घाटों पर नाव से रेत का परिवहन किया जाता है। ये रेत नाव से लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी जाती है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब भी किसी अधिकारी की पकड़ में आती है तो वो धार्मिक कार्य में रेत ले जाने की बात कहकर छूट जाते हैं। लेकिन अब ऐसी नाव या ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का परिवहन करती हुई पाई गई तो उन पर राजसात की कार्यवाही की जाएगी। इसकी जानकारी लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली और इससे रेत का अवैध व्यापार करने वालों में हड़कंप मच गया और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र होने के कारण स्थानीय नेता इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा। बड़े बड़े नेता निवास करते हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं सिलेकला मंडल का अध्यक्ष हूँ। हाँ, चूँकि विधानसभा का तो निवासी हूँ लेकिन मेरी भी कुछ सीमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा है तो मैं इस विषय पे ट्वीट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, अवैध उत्खनन के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अवैध उत्खनन होना नहीं चाहिए। उसमें अधिकारियों की त्रुटि है कि किस प्रकार रोका जाए, उसके व्यवस्था पे लगाम लगाना उनका कर्तव्य है। भोपाल में होने वाली एससी एसटी एक्ट के विरोध में सपा समाज की महाक्रांति रैली में सीहोर बाईपास जोड़ से मृदुल तोमर के नेतृत्व में सपा समाज के लोग भारी संख्या में भोपाल के लिए रवाना हुए। देखिए सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। जय सपा, जय सपा, जय सपा। एक्ट के विरोध के अंदर माइके लाल भोपाल पहुंच रहे, जो शिवराज ने गंदा शब्द गाली बकी है, हमें माइके लाल इसका विरोध दिखाने जा रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना चाहिए। सरकार ने जो केंद्र सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट जो लगाया लागू किया है उसके विरोध में सारा सपाक समाज विरोध करता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया। एक देश सारे प्रदेश।